हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी 8th क्लास में लेसन जो है सेकंड चैप्टर रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है लैंड सोइल्स वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। तो हम एक इन स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फीच वाटर्स। तो एक स्मॉल विलेज इन तंजानिया, एक छोटा सा विलेज है तंजानिया में। तंजानिया एक अफ्रीका का स्टेट है, अफ्रीका की कंट्री है, जहाँ मम्बा गेट्स अप द वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फीच वाटर्स। जो मम्बा है वो पानी भरने के लिए सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे रिटर्न आफ्टर फ्यू आवर्स। जो पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता है अफ्रीका में, और फ्यू आवर्स कुछ घंटे बाद वे वापस आती हैं। सी देन हेल्प हर मदर इन हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर्स ऑफ द गॉट। उसके बाद पानी लेने के बाद जो मम्बा है वो अपने ब्रदर के साथ जो है गॉड्स को केयर करने बिजी हो जाती, जो गॉड्स उन्होंने रखी थी। ऑल हर फैमिली ओन्स इन अ पाइसोवी ऑफ रॉक लैंड अराउंड द स्मॉल हंट। ऑल हर फैमिली ओन्स इन पाइसी ऑफ रॉक लैंड अराउंड हर स्मॉल हंट। पहाड़ियों के बीच एक छोटी झोपड़ी में उन्होंने रहते हैं स्मॉल हंट। मम्बा फादर्स कैन बार्ली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टोलिंग हार्ड। मम्बास के जो फादर्स थे, मम्बास के फादर कैन बार्ली ग्रो सम बीज एंड बीन्स इट ऑन इट आफ्टर टोलिंग हार्ड। जो मम्मा के फादर्स थे वो बीज बोते थे और हार्डिंग टोलिंग करते थे। दिस इज अ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर अ होल ईयर फॉर द होल ईयर। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। ये बहुत ही इनफ नहीं था पूरे फैमिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे स्पाइसेस में, छोटे से लैंड में वो बोते थे, और बहुत ही कम अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होता था। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द सी प्रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। जो पीटर था एक अलग ही कंट्री में रहता था, न्यूजीलैंड में रहता था। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द स्टिफ रेयरिंग रीजन्स इन द न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जहाँ वूल बनाते थे उस फैक्ट्री में रहते थे। और एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। तो एवरी डे जब स्कूल से रिटर्न आता था तो अपने अंकल्स को क्या शिप की केयर करते हुए देखता था। और देयर शिप ईयर इज अ सिचुएटेड एट अ वाइल्डली ग्रेसी प्लेन विथ फिथ हिल इन द फॉर डिस्टेंस। तो जो शिप का जहाँ पे शिप रहती थी, देयर शिप ईयर्ड एक यार्ड में रहती थी, और बहुत ही बड़ा प्लेन था जहाँ पे चारों तरफ से पहाड़ियाँ थी और डिस्टेंस था बहुत ही ज़्यादा था। इट इज़ अ मैनेज अ स्पेसिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो इन प्लेन को क्या, जो मैदान है प्लेन्स का जहाँ पे ग्रास क्रॉप्स उगी, वो बहुत ही स्पेसिफिक। इट इज़ अ मैनेजर इन स्पेसिफिक वे यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस चीज़ को क्या मैनेज कर रहे थे। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर्स की जो फैमिली थी आल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो वेजिटेबल्स किस कौन से तरीके से ग्रो करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कोई केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता था। तो मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट। हमने देखा कि जो मम्बा और पीटर थे दो डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे। मम्बा पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते थे। एंड लेड अ वेरी डिफरेंट लिव्स, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से रहते थे। दिस डिफरेंस इज अ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द क्वान्टिटी ऑफ लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल एंड द यूजेस टेक्नोलॉजी। तो हमने देखा कौन कौन से डिफरेंसेस थे। तो जो डिफरेंसेस थे वो जो डिफरेंसेस थे लैंड सॉइल्स और नेचुरल्स वाटर्स के थे, नेचुरल्स वाटर्स के थे, नेचुरल्स वाटर्स वेजिटेशन एनिमल एंड द यूजेस ऑफ द नेचुरल टेक्नोलॉजी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम द ईच अदर्स। तो हमने देखा ये सारी चीज़ें डिफरेंसेज थी। अब हम लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। लैंड क्या होता है, वॉट इज द लैंड। लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड इज अमॉन्ग
Land is among the most important natural resources. It's covered only about 30% of the total area that Earth's surface, and all part of this percentage are not habitat. So land बहुत ही important natural resources. Land is among the most important natural resources. It's covered only about 30% of the total area. पूरे world का जो था 30% area covered था. The Earth's surface and all part of the small percentage is not habitat. जो हम देखते हैं कि small पार्ट है तो अर्थ सर्फेस का वो हैबिटेट नहीं है, बिल्कुल रहने के लिए नहीं है. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज अ मेनली ड्यू टू वेराइटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हम देखते हैं कि डिफरेंस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हम देखते हैं. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेराइटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. हम देखते हैं जैसे पॉपुलेशन होता है एंड क्लाइमेट होता है, उसी हिसाब से वहाँ पे पॉपुलेशन मिलती है. फॉर एग्जांपल हमने देखते हैं कि गंगा के प्लेन में एक अच्छी लैंड है तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, वही हिल्स एरिया में कम हिल्स एरिया में जो है कम डेंस पॉपुलेशन रहती है. द रक्स आर टॉफोग्राफी स्टेप स्लोप्स और माउंटेन, और हम देखते हैं किसके किसके बेसिस पर टॉफोग्राफी स्टीप स्लोप माने पहाड़ियाँ माउंटेन लो लेइंग एरिया सस्पेक्टेड टू वाटर, जहाँ पे वाटर्स की कमी होती है अफ्रीका में वहाँ पे डेंस पॉजिटिव वहाँ पे रेयर पॉपुलेशन होती है, बहुत ही कम पॉपुलेशन. जहाँ पे वाटर्स अच्छे होते हैं प्लेन अच्छी होती है क्लाइमेट अच्छा होता है तो वहाँ पे क्या डेंस पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी. अभी डू यू नाउ 90% ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है एक्यूपाइज ओनली द 30% ऑफ द लैंड एरिया, द रिमेनिंग द 70% ऑफ लैंड इज आइदर सेपरेटली पॉपुलेटेड इन अनहैबिटेटेड. तो जो 90% में पॉपुलेशन वर्ल्ड की, उस जो 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो सिर्फ पूरे अर्थ के 30% एरिया में रहती है, इतने एरिया में 30% एरिया. बाकी का जो 70% है वहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है, 10% पॉपुलेशन रहती है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. हम देखेंगे लॉन्गिंग डेजर्ट एरिया थिक फॉरेस्ट एरिया आर नॉर्मली स्पेसिफिकली पॉपुलेटेड और द अनहैबिटेड. हम देखते हैं जहाँ पर डेजर्ट एरिया होता है जैसे राजस्थान का थार मरुस्थल है, थिक फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट होता है घना होता है, एरिया आर नॉर्मली स्पेसिफिकली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड. वो जहाँ पर डेजर्ट होता है बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं वो पॉपुलेशन के रहने के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होता, अनहैबिटेड होता है. प्लेन्स एंड रिवर्स, प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफ्टर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हिल्स दीज आर द डेंस पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ पे प्लेन्स होती हैं रिवर्स होती हैं वो वैलीज होती हैं वो सुटेबल्स होता है क्योंकि यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा एग्रीकल्चर की लैंड अच्छी मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया होता है. हमारे यहाँ जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तो बहुत ही ज़्यादा रहता है. अब हम देखते हैं लैंड का यूज़ किस तरह होता है, लैंड का यूजेस देखते हैं. लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, हम जो लैंड का बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं सच एग्रीकल्चर्स. तो हम लैंड का यूज़ जो है बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं. तो लैंड इज़ फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर्स फॉरेस्ट माइनिंग बिल्डिंग हाउस रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. तो इतनी सारी चीज़ों के लिए हम जो है लैंड का यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर्स फॉरेस्ट माइनिंग बिल्डिंग्स हाउस रोड सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज. दिस इज़ अ कॉमनली टर्म एज अ लैंड यूज. तो इस तरह हम देखते हैं कॉमन इसका यूज होता है, दिस अ कॉमनली टर्म एज अ लैंड यूज. कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मम्बर्स एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड. क्या आप बता सकते हैं जो मम्बा और पीटर्स की फैमिली कैसे डिफरेंट लैंड का यूजेस करती है. द यूज ऑफ लैंड इज अ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर. The use of land, जो use of land का होता है, the use of land is determined by the physical factors such as topography, soils, climate, minerals and availability of waters. The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate and minerals, availability of waters. तो हम देखते हैं कि कैसे यूजेस होते हैं. द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड द फिजिकल फैक्टर सच एज टॉपोग्राफी सॉइल्स क्लाइमेट मिनरल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं
Human factors such as a population and technology are also important determinant of land use pattern. तो जो टेक्नोलॉजी है पॉपुलेशन है वो भी पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं कि लैंड का किस तरह यूजेस होगा. लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिक ओनरशिप. लैंड कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. लैंड को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वर्कलेज एक प्राइवेट लैंड एक कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड इज ऑनर्ड बाय द इंडिविजुअल वेयर वे कॉम जो प्राइवेट लैंड होती है एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा उसका ओनरशिप होता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति उसको ओनर होता है बाय इंडिविजुअल्स वेयर इज. और कम्युनिटी लैंड इज ओन बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूज. जो कम्युनिटी लैंड है उसकी जो ओनर होते हैं कम्युनिटी के होते हैं और उसका यूजेस जो होता है कॉमन यूजेस के लिए होता है. लाइक द कलेक्शन ऑफ फूडर कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस के लिए करती है, जैसे कलेक्शन ऑफ फूडर फ्रूट्स नट्स मेडिकल हर्ब्स. दिस कम्युनिटी लैंड आर सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज. तो जो कम्युनिटी लैंड होती है इसके जो ओनर होते हैं कम्युनिटी के लोग होते हैं और डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ फूडर चारा के लिए फ्रूट्स के लिए नट्स के लिए और जो मेडिकल्स हर बनाते हैं उसका लिए. और कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज. पीपल एंड दे आर द डिमांड आर वेरी ग्रोइंग अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. पीपल and they are the demand are ever growing but availability of land is limited. So people and their demand are ever growing but the availability of land is लिमिटेड. तो जो पीपल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है बट हमारी जो लैंड है वो लिमिटेड है. अवेलेबिलिटी जो है लैंड की लिमिटेड है. द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो क्वालिटी लैंड है वो डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट है. पीपल स्टार्टिंग इन ऑर्चिंग द कॉमन लैंड इज बिल्ड बाय द कमर्शियल एरिया. जो कॉमन लैंड होती है उसका उस पर कमर्शियल एरिया पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड. जो कॉमन लैंड होती है उस वहाँ पे कमर्शियल लेवल कमर्शियल एरियाज में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अर्बन एरियाज में एक्सपेंड करते हैं. द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया. जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वहाँ पे रूरल एरियाज में होती है. टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस आवर सोसाइटी. अभी जो इस समय प्रेजेंट जो हमारा सीनियोरी है उसमें लैंड का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है. कल्चर हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है. लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, वर्षा से बहुत ज़्यादा वंस काटे जा रहे हैं, ट्रीज का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिससे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है. लैंड स्लाइडिंग हो रही है, आप हिमालयस में देख सकते हैं लैंड स्लाइडिंग. सॉइल इरोजन हो रहा है. डेजर्टिफिकेशन हो रहा है. डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है. आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट ऑफ बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. तो ये सारी प्रॉब्लम किससे क्रिएट हुई है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करने से और कंस्ट्रक्शन करने से. कंस्ट्रक्शन आपने किया, पेड़ों को कटाई की जिससे सॉइल इरोजन हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, डिजर्टिफिकेशन हुआ. ये सारे एनवायरमेंट्स को क्या प्रॉब्लम हुई इन सारी चीज़ों की वजह से. फिर लेट्स टू सम द एल्डर पर्सन ऑफ द योर फैमिली और नेबरहुड एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन द लैंड यूज ओवर द ईयर्स इन द प्लेस वेयर यू लिव. डिस्प्ले योर फाइंडिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड ऑफ द क्लासरूम. आप अपने क्लासरूम में बताइए कैसे जो डिफरेंट लैंड हमारी चेंज हो रही है. सम देन लुक एट द पिक्चर. कैसे हमारे जो है लैंड पैटर्न यूज चेंज हो रहा है. पहले जो होता है यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे पेड़ पौधे होते तो हंड्रेड झोपड़ियाँ होती थी. एग्रीकल्चर्स होते छोटी छोटी झोपड़ियाँ और स्मॉल कल्टीवेशन होता. फिर सेकंड में देखिए यहाँ पे कितने सारे घर्स बन गए, पेड़ कट गए हैं. अब यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ पे पहले जो कल्टीवेशन बैलों के द्वारा होता था यहाँ पे अब मशीनों के द्वारा होने लगा कल्टीवेशन. यहाँ पे झोपड़ियों का स्थान ये घर ने ले लिया. तो यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा, यहाँ पक्की सड़कें बन गई. और फिर थर्ड में क्या होगा, थर्ड में देखिए बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई. यहाँ पे गाड़ियाँ बन गई, गाड़ियों से होकर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, पेड़ पौधे कम हो गए, टेक्नोलॉजी का यूज हो गया. यहाँ पे फोर्थ तरह से एक अर्बन में ये कम्प्लीट हो गया. तो कैसे कैसे जो लैंड का चेंज हो रहा है, चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, कैसे टाइम से जो लैंड हो चेंज हो रही है. तो कन्वर
कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, हमें कैसे सॉइल लैंड को जो कंजर्व करके रखना है, हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है. तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ओवर लैंड एरेबल. तो जैसे हमारे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, growing population and their growing demand. जैसे population बढ़ रही है वैसे demand भी बढ़ रही है. growing demand has led to the large scale destruction. forest cover land, arable land has a create fear to use losing these natural resources. द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड. आप चेक करिए कि प्रेजेंट रेट का अफॉरेस्टेशन लैंड रिकेमलेशन रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन द ओवर ग्रेजिंग सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू द कंजर्व लैंड रिसोर्सेज. तो हमें केमिकल का जो पेस्टिसाइड का उसे अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करना चाहिए. इस तरह हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. फिर हम सॉइल के बारे में देखेंगे. अब सॉइल क्या होती है, सॉइल तो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंट कवरिंग द सर्फेस ऑफ दर इज कॉल्ड सॉइल. जो पतली से जो लेयर्स होती है सॉइल को कवर करती है उसे हम क्या सॉइल्स बोलते हैं. इट इज़ अ क्लोजली लाइक ऑफ लैंड. तो लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. तो जो इट इज़ अ क्लोजली लिंक होती है, लैंड से लिंक होती है और डिटरमाइन करती है कौन सी लैंड फॉर्म में कौन सी सॉइल प्रेजेंट होगी. सॉइल इज मेड अप द ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल किससे बनी थी, सॉइल इज मेड ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक. रॉक फाउंड ऑन द अर्थ, तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है. ऑर्गेनिक मैटर्स क्या, ऑर्गेनिक मैटर जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो ऑर्गेनिज्म हो वो डेथ हो गया तो उसके डेथ होने पर जो भी चीज़ें बचती हैं उसे ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. मिनरल्स फास्फोरस नाइट्रोजन और वेदर्ड रॉक. जो भी रॉक्स होती है वो टूट जाती है क्लाइमेट की वजह, छोटे छोटे पार्टिकल्स में. इन सारी चीज़ों को मिला के क्या सॉइल का फॉर्मेशन होता है. फिर दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस वेदरिंग. इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल. अब ये सारी चीज़ें मिलने के बाद क्या होती है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है. द राइट ऑफ मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल. और ये सारी चीज़ों के मिलने के बाद क्या होती है, फर्टाइल सॉइल फर्टाइल हो जाती है. लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट. लैंडस्लाइडिंग को हम कैसे सिंपली डिफाइन करते हैं, एक मास मूवमेंट होता है. जो मास का मूवमेंट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई बड़ा सा रॉक सा है उसका मूवमेंट हुआ तो उसे लैंडस्लाइडिंग कहते हैं. द डेवर्स ऑफ द अर्थ डाउन स्लोप, ये अर्थ से जो नीचे आती है स्लोप होती है. दे ऑफ्टन टेक द प्लेस कंजक्शन विद द अर्थ के फ्लड एंड वोल्केंस. ये किससे आती हैं, जो लैंडस्लाइडिंग की वजह क्या है, अर्थ के फ्लड एंड वोल्केंस. अप्रोनुलॉन्स स्लिप ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंड स्लाइडिंग दैन कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ द रिवर क्विट समटाइम. जो रेनफॉल होती है उसके वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है और जो रिवर्स का एरियाज होता है रिवर्स को ब्लॉक कर देती है कुछ टाइम के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो लैंड स्लाइडिंग हुई, लैंड स्लाइडिंग यहाँ पर उन्हें से रिवर्स आ रही थी, इस रिवर्स को ब्लॉक कर देती है. रिवर्स को ब्लॉक करने पर क्या यहाँ फ्लड आ जाता है क्विट सम टाइम. द फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स ब्लॉक कैन कॉजेज द हैवॉक द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स अ बेस्टिंग, तो बेस्ट हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है. इन द हिल टैरन लैंड स्लाइडिंग हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफ्टन स्ट्राइकली लाइफ प्रॉपर्टीज एक्यूपाइज अ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न. तो क्या लैंड स्लाइडिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, प्रॉपर्टीज को ऑक्यूपेशन होता है, कंसर्न लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है. अ केस स्टडी लैंड स्लाइडिंग की. अ मैसिव लैंड स्लाइड हिट द पंजी विलेज नियर द रिकॉन्ग पियो इन
किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ द ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत एंड रोड। ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत को डैमेज किया 2000 था। नेशनल हाईवे 22 द लैंडस्लाइड वॉज ट्राइगर्ड The landslide was triggered by intense blasting of Ponzi village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapse and causes intense damage to the road and nearby village. The Ponzi village was completely vacated, avoided by possible loss of life. तो इस तरह से लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे पंजी प्लेस को डिस्ट्रॉय हुआ उस प्लेस को। फिर मिटिगेशन मैकेनिज्म, लैंडस्लाइडिंग को किस तरह हम रोक सकते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म को अपना सकते हैं। एडवांटेज साइंटिफिक टेक्निक्स और एज अ इम्पावरमेंट, तो हम एडवांटेज इन साइंटिफिक टेक्निक्स, तो हम साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। हैज़ अ एम्पावर्ड यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैंडस्लाइड आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउ टू मैनेज, हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्नोलॉजी ऑफ लैंडस्लाइड आर फ्रो, कुछ सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स हैं जैसे हैजार्ड मैपिंग टू रिकॉर्ड, हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू द लैंडस्लाइड एंड सच एरिया कैन बी अवॉइड द बिल्डिंग सेटलमेंट। जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग एरिया होता है वहाँ पे हम उस एरिया पे बिल्डिंग फॉर्मेशन ना करें, तो हम एक ऐसा मैप बना दें जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, तो उस एरिया को हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम द स्लिपिंग, तो हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन को वेल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम द स्लिपिंग, तो हमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, उस हिली एरिया में स्टॉप कर देना चाहिए। फिर इंक्रीजिंग द वेजिटेशन कवर टू द अरेस्ट लैंडस्लाइडिंग, जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है वहाँ पे अरेस्ट को फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए और इंक्रीज वेजिटेशन को जो है इंक्रीज करना चाहिए, तो वेजिटेशन लगाना चाहिए। द सर्फेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट लैंड स्लाइड, द सर्फेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट लैंड स्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग लोम। तो अब डू यू नो इट टेक्स द 100 ईयर्स ऑफ मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या है कि इट्स टेक 100 ईयर्स मेक द जस्ट 1 सेंटीमीटर। 100 ईयर में सिर्फ 1% जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे सॉइल्स का बहुत अच्छा डायग्राम है, तो सबसे पहले पैरेंट सॉइल है, पैरेंट सॉइल वेदर ट्रॉप मटेरियल, यहाँ पे वेदर ट्रॉप मटेरियल सब सॉइल विथ सैंड स्लेट एंड क्ले, तो यहाँ पे क्या है सब सॉइल विथ सैंड स्लेट क्ले, यहाँ पे सॉइल है सैंड है स्लेट है, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, और यहाँ पे क्या ह्यूमस भी है वेजिटेशन भी है। तो फोर्स लेयर सबसे पहले नीचे पैरेंट लेयर्स होती है, फिर वेदर रॉक मटेरियल जिसको वेदर्स के द्वारा हम कराते हैं, फिर सब सॉइल होती है स्लेट होती है, और फिर लास्ट में क्या होती है ह्यूमस और सॉइल्स होती है। फिर फैक्टर ऑफ सॉइल, में कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल का फॉर्मेशंस करते हैं, तो फैक्टर सॉइल फॉर्मेशंस विद द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो सॉइल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, तो और द नेचर्स ऑफ द पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर, कौन कौन से पैरेंट रॉक, जो पैरेंट हमने रॉक्स देखो जो सबसे लोवेस्ट रॉक्स होती है, फिर क्लाइमेट फैक्टर्स, फिर क्लाइमेट फैक्टर्स भी क्या क्या इंक्लूड है। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, जो अदर फैक्टर्स कौन कौन से, टोपोग्राफी रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, रोल ऑफ जो ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन, एंड जो टाइम लगता है एंड टाइम टेकन, कंपोजिशन ऑफ द सॉइल फॉर्म, कौन कौन से कंपोजिशन हुए सॉइल फॉर्मेशन, ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सबसे पहले हम सॉइल्स देखते हैं, सॉइल्स में कौन कौन से, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल में पैरेंट रॉक्स होती है, पैरेंट रॉक क्या क्या डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन कलर टेक्सचर्स केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल कंटेनर परमेबिलिटी, जो पैरेंट रॉक होती है वो जो पैरेंट रॉक होती है डिटरमाइन करती है कलर कैसा और टेक्सचर्स कैसा होगा, केमिकल कैसा और प्रॉपर्टीज मिनरल, और फिर रिलीफ क्या होती है, रिलीफ जो होती है एटीट्यूड
अल्टीट्यूड लैंड स्लोप डिटरमाइंड एक्यूपेशन ऑफ सॉइल, तो वहाँ पर उसका स्लोप कैसा होगा, एक्यूमेशन ऑफ सॉइल, फिर फ्लोरा फाना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमस को फॉर्मेशन करते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्लोरा फाना का जो फ्लोरा फाना होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, तो अफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन, ये ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ है टाइम इन टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ये टाइम जो है जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा सॉइल अच्छी होगी, तो टाइम से क्या होता है सॉइल की प्रोफाइल होती है। और फोर्थ है क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, तो क्लाइमेट जो होता है ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। हम इस एक्टिविटीज़ में देखते हैं, इस एक्टिविटीज़ में क्या है, इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलिवस ब्लैक रेड लेटेराइट डेजर्टी एंड माउंटेन सॉइल, कलेक्ट हैंडफुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड ऑब्जर्व हाउ आर दे डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है एक्टिविटीज़ में। फिर डिग्रेडेशन सॉइल एंड कंजर्व मेजर्स, कैसे सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा तो उसे हम कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, सॉइल इरोजन कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पानी आया तो उस पानी की जो है वाटर्स के द्वारा सॉइल की ऊपरी जो अपर लेयर हुई उसकी रिमूव होने सॉइल इरोजन बोला जाता है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ द सॉइल एज अ रिसोर्स, सबसे मेन प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फूड दोनों फैक्टर, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लैंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, दोनों फैक्टर ह्यूमन और नेचुरल दोनों फैक्टर्स के द्वारा लैंड का डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। फैक्टर विच लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर द डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स रेन वॉस लैंड स्लाइडिंग फ्लड, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल इरोजन और डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा, जंगलों कटाई और डिफॉरेस्टेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड का जो यूज़ करते हैं, रेन बॉस बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से एंड फ्लड की वजह से, ये मेजर फैक्टर्स है। सब मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन ऑफ द लिस्ट, कुछ मेथड के द्वारा हम जो सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, मल्चिंग कंटूर वेरियस रॉक डैम, सबसे पहले हम मल्चिंग देखते हैं, मल्चिंग क्या है, द बार ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज अ कवर्ड विद अ लेयर ऑर्गेनिक मैटर लाइक अ स्ट्रॉ, इट हेल्प टू द रिटेन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर।